तो गाइस हम जा रहे हैं आज जबलपुर, जो कि आज 10 तारीख है, 10 सितंबर आज गणेश उत्सव है और आज हर घर में गणेश जी विराजमान होंगे। तो बहुत ही पुराने कलाकार हैं, लंबे समय से मूर्ति बनाते हैं शास्त्री नगर में, जो कि हम बस थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस हम आपको दिखाते हैं वहां जाके कि मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें पेंटिंग होती है और कितनी अच्छी सुंदर प्रतिमा बनाई है। गाइस कैसे हो आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे। और मेरा नाम शशांक है और आज मेरे साथ है भाई आशीष। ये बहुत ही अच्छे मूर्तिकार हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। कलाकार थे पहले ही थे लेकिन मूर्तिकार अभी बने हैं। हाँ ये तो ठीक है यार। और हम एक चीज कह सकते हैं, आज जो शूट होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार, मजेदार और शानदार होने वाला है। आज हम जाएंगे हमारे जबलपुर की फेमस जगह, फेमस मूर्तिकार जो है राजा राम मूर्तिकार। तो चलिए हम मिलते हैं वहां पे। तो गाइस ये वाला जो हाईवे देख रहे हो, नेशनल हाईवे है जो कि ये रीवा टच करता है, और एक ये वाला जो हाईवे देख रहे हो ये राइट साइड है जो मेरे, तो ये जाता है सीधा नागपुर के लिए। तो ये यहाँ से आप पीछे बैक साइड देखेंगे तो भेड़ाघाट निकल जाएंगे, और ये हमारे जो सामने रास्ता है तो यहाँ से सीधा जबलपुर चले जाएंगे, यहाँ से शास्त्री ब्रिज सगड़ा होते हुए सीधे जबलपुर की ओर। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, हम फाइनली पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे भैया की कारखाना है, जहाँ पे बनती हैं मूर्तियाँ, दीप कला मंदिर। ये काफ़ी पुराना कलाकार है भैया, मूर्तिकार हैं, जो कि राजा राम हैं, जो शास्त्री नगर में हैं, जबलपुर से लगभग 8 या 10 किलोमीटर के अंतराल पे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं उनकी कैसी मूर्तियां, उनकी बनाई हुई मूर्तियां कैसी हैं। ये आप मूर्ति देख रहे हैं जो गणेश प्रतिमा है, तो ये लगभग 11 फीट की हैं हाइट में, और ये सादा चौक गंगा सागर लोधी मोहल्ला जा रहे हैं मूर्ति। तो भैया इसकी प्राइस क्या है, दक्षिणा इसका निछावर क्या है, इस मूर्ति का आप बता सकते हैं इसका निछावर? 35,000 रुपये। तो आप गाइस ये देख रहे हैं 11 फीट की जो मूर्तियाँ हैं,
इसमें चार भुजा दी गई हैं और एक चूहे पे सवार है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। चूहा भी काफ़ी बड़ा साइज का है क्योंकि मूर्ति काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसमें चूहा भी बहुत बड़ा दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है। और काफ़ी लंबे समय से भैया यहाँ पे, मतलब इनके पुराने जो पापा जी हैं, दादाजी, बहुत समय से यहाँ पे मतलब ये मूर्ति का काम करते हैं। और पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध है राजा राम मूर्तिकार, जो कि दीपकला मंदिर है। तो आप ये लगभग जबलपुर से 8 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर है, बाजनमठ के पास है। तो बिल्कुल रोड से थोड़ा ही आप अंदर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी प्रकार की मतलब मूर्ति आप बनवा सकते हैं यहाँ से। तो मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो और भी मूर्तियाँ मैं छोटी छोटी आपको दिखा रहा हूँ। और मूर्तियाँ जो काफ़ी कंप्लीट नहीं हुई, अभी काफ़ी काम बाकी हैं इनमें। तो ये शुरू से आखिरी तक मतलब बहुत ही काम रहता है इसमें। अभी तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट, 90% काम कंप्लीट हो चुका है इसमें। काफ़ी अभी इसमें बहुत कुछ काम बाकी है, थोड़ा कलर वगैरह। और भी मूर्तियाँ रखी हैं, लाल बाग के राजा जैसे सेटअप लगा हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं। तो हम मिलवाने वाले हैं आपको, कपिल प्रजापति जी हैं जो कि राजाराम प्रजापति जी के पुत्र हैं। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये काम कब से कर रहे हैं, मतलब मूर्ति का काम? तो हमारे पिताजी करते रहे, पिताजी के बाद हम कर रहे हैं। अच्छा, तो भैया मतलब आपने बचपन से ही मतलब ये काम किया है, मतलब मूर्ति बनाने का शुरुआत से? तो आपकी मतलब कहाँ कहाँ मूर्ति जाती हैं यहाँ से? यहाँ से बाहर भी जाते हैं, बांदा यूपी। तो मतलब आपको यहाँ पे हर रेट की मूर्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि मतलब कि 1000 रुपये से लेके मतलब जितना आप चाहें वैसा मिल जाएगी?